बढ़िया। तो आज पूरा गांव खुश है? हाँ, पूरा गांव खुश है। चलिए बेटा, मन लगा के मेहनत करना, ये खुशी लगातार बरकरार रहनी चाहिए। तो खाना भी बनाती थी, पढ़ती भी थी। अच्छा, मेहनत करती थी। काम भी करती है, ऐसे नहीं। दाल चावल चढ़ा देती थी, लिए किताब बैठे रहती थी। ये भाई है इनका, जो कि इस बार 10वीं का पेपर दिया है, जिसके भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं। बेटा कितने परसेंट आए आपके? 90%। यही था, दोनों में चल रहा है कंपटीशन। किसके बीच में कितने थे? 88%। अच्छा, इनके। हमने इस बच्चे को बताया था कि अगर 90 से कमाए तो कमरे में बंद करके लाठी से मारेंगे। पूछ लो, सामने खड़ा है कमरे में बंद करके। दरअसल में मेरी इनकी तैयारी है, मैं आपको बता दूं, यूपीएससी की। बच्चों को बता दिए है कि आने वाले समय में, भविष्य में, दरवाजे पे एक यूपीएससी का नेम प्लेट लगी हुई। अरे बहुत शानदार। ठीक है, तो भविष्य में नीट के बाद क्या करोगी? आईएएस बनोगी? यस सर। अगर चाचा बोल रहे हैं तो आईएएस बनोगी ना? अच्छा, आप ये बताओ, जैसे हम एक बात करते हैं हमेशा कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे, क्वालिटी शिक्षा देंगे, तो क्या आपको लगता है कि हम आप लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पा रहे हैं? यस सर। हाँ, ऐसा क्यों लगता है? सर, मतलब कि और कोचिंग सेंटर बहुत सारी हैं, उनसे भी हमने पढ़ा है, लेकिन जैसा विद्या को से पढ़ने से लगता है, वैसा मतलब किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ने से नहीं लगता है। क्या खास लगता है सब बेटा बताओ? सर, मतलब अपनापन लगता है। अपनापन लगता है, बस यही अच्छी चीज़ है, यही सबसे बड़ी बात है, यही पूरा प्रदेश हमारा परिवार है। प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका बड़ा भाई, आपका प्यारा शिक्षक मुकेश सर, स्वागत करता हूं अपने विजय यात्रा के पहले दिन। और आज हम आ चुके हैं प्रयागराज मंडल के कौसाम्बी जिले के पहाड़ी के पुरवा गांव में, कानेमई गांव में। तो प्यारे बच्चों, यहां पर एक ऐसी हमारी छात्रा है जिसने अपने ज़िले में दूसरा स्थान और पूरे प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त करके अपने पिताजी का, अपने पूरे इस परिवार का और अपने इस पूरे गांव का नाम रोशन किया है। और ये बहुत गर्व की बात है कि पिताजी खेती किसानी करके इस बच्ची को पढ़ाए और आज इस बच्ची ने अपनी मेहनत के दम पर अपने पिताजी का सिर ऊंचा कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बच्ची अभी एक बार फिर से बायो से भी पढ़ेगी और भविष्य में डॉक्टर बन करके देश की सेवा करेगी। और बेटा, ये जो बच्ची है, इस बच्ची के बारे में मुझे कल पता चला, लेकिन इस बच्ची ने बताया कि हम 11th क्लास के पहले दिन से आपसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके इतने अच्छे नंबर आए। इतने अच्छे नंबर पाकर कैसा महसूस कर रहे हो तुम? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो कब से पढ़ रही थी विद्याकुल से? सर, 11th से स्टार्ट हुआ, तभी से पढ़ रही हूं। अच्छा, 11th से पढ़ाई कर रही थी। बेटा, तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा? सर, फिजिक्स रहा है। फिजिक्स रहा है। तो किसकी फिजिक्स सबसे अच्छी लगती थी? सर, आप पढ़ाते थे और किसन सर। तो साथियों, मैं इंटरव्यू लेता हूँ, जब मेरे सामने कोई मेरा नाम लेता है तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, असहज महसूस करता हूँ। और इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट बेहतर रहा, सबसे अच्छा? सर, मैथ। मैथ में कौन पढ़ाता था आपको? सर, स्कूल के भी टीचर थे और यूट्यूब में हमने विद्याकुल से पढ़ाई की, तो सुमित सर, मतलब बेटा सुमित सर अच्छा पढ़ाते थे। हाँ। अच्छा बेटा, आपने स्कूल भी प्रॉपर ज्वाइन किया था? हाँ, स्कूल भी जाते थे। अच्छा, रोज स्कूल जाती थी? हाँ, जाते। स्कूल के बाद घर पे कोचिंग कहीं करती थी कि ऑनलाइन पढ़ाई करती थी? ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, कोचिंग कहीं नहीं थी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बेटा। तो भविष्य में क्या करना चाहती हो? सर, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हो, तो इसके इसका मतलब अभी एक बार बायो से फिर से पढ़ोगी? यस सर, अभी तो पढ़ना है। बेटा, पहले से ही सोच रखा था डॉक्टर बनना है? हाँ, पहले से सोच रखा। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, ये बिटिया अभी एक साल तैयारी करेगी नीट की और डॉक्टर बनेगी। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दूं, ये परिवार बहुत ही मेहनती है। इस परिवार ने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया है और ऐसे संस्कार दिए, ऐसी शिक्षा दी कि आज परिवार का सर ऊंचा हो गया है बच्चों की मेहनत पर, और बच्चे बहुत मेहनती हैं। तो बेटा, स्कूल के अलावा कैसे मैनेज करती थी ऑनलाइन क्लास को और कैसी पढ़ाई करती थी आप घर पर? सर, नाइट में ही टाइम मिलता था क्योंकि घर का भी काम करना पड़ता था। अच्छा, घर स्कूल में भी इतना पढ़ा देते थे कि मतलब
बहुत हो जाता था। घर में कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सर 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे तो खाना बनाती जाती थी, पढ़ती थी। अच्छा दादाजी आप कौन है इस बच्ची के? माइक ले। अरे बहुत बढ़िया, माइक ले लीजिए। तो आप इनके बाबा जी हैं? हाँ बाबा जी। चलिए कैसा लग रहा है बच्ची, कितने अच्छे नंबर है? बच्ची बहुत खुश है, इतने नंबर लाई पहली बार। अच्छा चलिए, इसके पहले गाँव में किसी के इतने अच्छे नंबर आए पूरे? गाँव में पहले किसी के नहीं आए, तो हम हजकपुर में एक लड़की थी हाई स्कूल में उसका आया था। अच्छा तो पूरा गाँव खुश होगा इस नंबर से? खुश है। चलिए बढ़िया। तो खाना भी बनाती थी, पढ़ती भी थी। अच्छा मेहनत करती थी? काम भी करती है, ऐसे नहीं। दाल चावल चढ़ा देती थी, लिए किताब बैठे रहती थी। देखिए आज वो मेहनत रंग लाई, उसकी मेहनत रंग लाई है ये। बस यही है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट बना रहा, सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्ची को आपने प्रॉपर स्कूल भेजा। स्कूल तो प्रॉपर जाती थी रोजाना, और इसने छुट्टी नहीं ली। अच्छा बढ़िया, तो आज पूरा गाँव खुश है? हाँ, हाँ, चलिए बेटा मन लगा के मेहनत करना, ये खुशी लगातार बरकरार रहनी चाहिए सबके चेहरे पर। आगे तुम्हें अभी बहुत सारी परीक्षाएं देनी हैं, हर परीक्षा में इसी तरीके से टॉप करना है, ठीक है? और साथियों मिलाना चाहेंगे इनके भाई साहब से, पीछे हैं, आ जाओ भाई, तुम भी आगे आ जाओ। ये भाई है इनका जो कि इस बार 10वीं का पेपर दिया है, जिसके भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं। बेटा कितने परसेंट आए आपके? 90%। माइक ले लो, ठीक है। कितने परसेंट आए तुम्हारे? 90% आए। दीदी से कम नंबर आ गए? 12वीं में दीदी से ज्यादा ला देना तुम। तुम्हारा मैंने तो बोला है अभी परसों की, उससे ज्यादा लाना। तो उससे ज्यादा लाना, मतलब दीदी के जितने आए हैं ये तुम्हारे लिए टारगेट है। यही था, दोनों में चल रहा है कंपटीशन। किसके बीच में कितने थे? 88%। अच्छा इनके, हमने इस बच्चे को बताया था कि अगर 90 से कमाए तो कमरे में बंद करके लाठी से मारेंगे। पूछ लो, सामने खड़ा है कमरे में बंद करके। दरअसल में मेरी इनकी तैयारी है, मैं आपको बता दूं, यूपीएससी की। अच्छा, इन दोनों बच्चों की यूपीएससी की तैयारी करवाना है, इसलिए हम इतना टाइट रहते हैं और ज्यादा खेती किसानी वाले आदमी जानते। अरे चलिए बढ़िया, आदमी क्या कर सकता है भाई, ज्यादा अच्छी कोचिंग में डाल भी नहीं सकता, इनको ज्यादा बड़े स्कूल में डाल भी नहीं सकते भाई। अब नोएडा अगर इनको भेजा जाए, पोटा भेजा जाए, तो वहाँ तो 10-15-20 हजार रुपए कमरे का ही किराया है। लेकिन आपने सबसे बड़ी चीज है इनके अंदर जो साहस बनाए रखा, वो बहुत बड़ी बात है। देखिए सर, बात ये है ना कि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोग भी कभी सोचे थे कि हम छोटी सर्विस नहीं करेंगे। वो बगल में बैठे हैं मेरे बड़े भाई साहब, अच्छा IAS की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया, पीछे हो गए। और उसके बाद जब हम हुए तो हम भी नहीं सोचे थे कि हम छोटी सर्विस करेंगे। अच्छा, हाँ उस समय तो हम चाहते तो कर लेते छोटी सर्विस, पुलिस की नौकरी तो जेब में जैसे भरे रखते। अरे तो बहुत बढ़िया, अब आगे आपका जो सपना है हम नहीं कर पाए हैं। मेरे बच्चे नहीं है, बड़े भाई के बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई के भी दो बच्चे हैं, हमारे कोई बच्चे नहीं है, तो हम इन्हीं को अपना जो है परिवार मान रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, जो है हमारे हिसाब से बच्चों को बता दिए हैं कि आने वाले समय में भविष्य में दरवाजे पे एक यूपीएससी का नेम प्लेट लगी होगी। अरे बहुत शानदार, बस यही प्रेरणा स्रोत है बच्चों की, हमारे ये बच्चे इतना कर पाते हैं, और यही सब गार्जियंस हैं जो दिन रात बच्चों को साहस बनाए रखते हैं, जिन दिन रात इनका हौसला बढ़ाते हैं। और ऐसे ही बच्चे होते हैं जो एक दिन कर दिखाते हैं, और यही वो बेटियां होती हैं जो एक दिन अफसर बेटियां बनती हैं। बेटिया बहुत उम्मीद है तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे चाचा को, तुम्हारे पिताजी को, दादाजी को, और दिन रात एक करके मेहनत करना, ये अच्छे से अच्छे रैंक पर जाओ, अच्छी से अच्छी पोजीशन पर जाओ, ठीक है? मेहनत करना अच्छे से, ठीक है? तो भविष्य में नीट के बाद क्या करोगी, आईएएस बनोगी? यस सर। अगर चाचा बोल रहे हैं तो आईएएस बनोगी ना? हाँ, बनूंगी। ठीक है, तो मेहनत करो अच्छे से और पढ़ाई करो। तो बेटा आप जब पढ़ते थे, अब मैं तुमसे थोड़ा सा अपनी बात कर लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास अगर आपने की है तो ऑनलाइन क्लास में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, ये आपने बताया। अच्छा आप ये बताओ, जैसे हम एक बात करते हैं हमेशा कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे, क्वालिटी शिक्षा देंगे, तो क्या आपको लगता है कि हम आप लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पा रहे हैं? यस सर। हाँ, ऐसा क्यों लगता है सर? मतलब कि और कोचिंग सेंटर बहुत सारी हैं, उनसे भी हमने पढ़ा है, लेकिन जैसा विद्या को से पढ़ने से लगता है, वैसा मतलब किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ने से नहीं लगता है। क्या खास लगता है ऐसा बेटा बताओ? सर मतलब अपनापन लगता है। अपनापन लगता है, बस यही अच्छी चीज है, यही सबसे बड़ी बात है, यही पूरा प्रदेश हमारा परिवार है,
हर बच्चे से अपनापन जोड़ना है। और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाते समय कि बच्चे को ये फील कराएं कि बच्चा हमारे सामने बैठ के पढ़ रहा है। पूरी कोशिश जारी है, दिन प्रतिदिन उसमें हम लोग नई नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो बेटा एक चीज़ और आपसे पूछेंगे कि आप ये सारी चीज़ें मैनेज करती थी ऑनलाइन क्लास को, स्कूल को, अब ये जो बच्चे हैं जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे, 2025 में पेपर देंगे, इन बच्चों को क्या कहना संदेश देना चाहोगी आप? मैं बस यही कहना चाहूँगी, बस आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बेटा बहुत छोटी लाइन बोल दी, थोड़ी सी और बड़ी हाई भी लाइन बोलो, मतलब कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब बता दो एक बार। कम से कम 6 से 7 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। और जैसे फिजिक्स की बात है तो जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं तो उससे आगे चलना चाहिए। जैसे टीचर आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा है तो उसको एक दिन पहले ही आप पढ़ लीजिए। मतलब कोई भी चैप्टर अगर पढ़ा रहे हैं तो उसको पहले से पढ़ के जाओ ताकि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। सर आप शायद भरोसा ना करें, लेकिन मैथ के बारे में मैंने अगस्त में ही पूरी NCERT मैथ यूट्यूब से पढ़ के ही पूरी ख़त्म कर दी। अरे बहुत शानदार बेटा, सबसे बड़ी बात बोल दी। सब समझो, ऐसे स्टेट टॉपर नहीं बनते, डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं बनते, वो बच्चे बनते हैं जो इतने जागरूक होते हैं। अगस्त के महीने में मैथ पूरी ख़त्म कर दी और ये बेटा बच्चे का मतलब पढ़ाई के प्रति लगाव रहा कि अगस्त में मैथ ख़त्म हो गई। आप भी आज से लग जाओ, पहले दिन से पढ़ना पड़ेगा, हर दिन पढ़ना पड़ेगा, हर रात पढ़ना पड़ेगा, और तभी सफलता मिलेगी जब आप साल भर पढ़ोगे। एग्जाम के एक महीना पहले या 10 दिन पहले पढ़ के आपको अच्छी सफलता नहीं मिल सकती है, हो सकता है पास हो जाओ, लेकिन ये जो सपना है, ऐसे जो बच्चे हैं जो आज डिस्ट्रिक्ट टॉपर स्टेट टॉपर बनते हैं, ये सपना पूरा होने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे इंटरव्यू मैं केवल लेने के लिए इसीलिए निकला हूँ अपने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि ये वो बच्चे हैं, ये वो परिवार हैं जिनसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे परिवार प्रेरित होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ऐसे बच्चे भी प्रेरित होते हैं इन बच्चों से पढ़ने के लिए कि आखिर कैसे पढ़ा जाता है, कैसे बच्चे का हौसला बनाया जाता है। और इसी क्रम में बेटा हम लगातार आपको बच्चों से मिलवाते रहेंगे। ये विजय यात्रा में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं जिन बच्चों के घर तक मैं जाऊंगा, ठीक है? तो अगले इंटरव्यू में आप सबसे मिलेंगे और ऐसे परिवारों से मिलेंगे, ऐसे हर घर तक पहुंचेंगे, और ये विजय यात्रा का बेटा दूसरा इंटरव्यू रहा। मिलते हैं आप सभी से अगले इंटरव्यू में। धन्यवाद।